Hello student, good morning. Today we will learn Maths Standard 3rd, Chapter Number 2, Fun with Numbers. Fun with Numbers में हमने last time पढ़ा था, question number हमने 35 तक complete कर दिया था. अब हम देखेंगे question number 36. Question number 36 में क्या दिया है, तो कि write the numbers obtained from the cards of 100K, 10K and 1K cards से. वो हमें count करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, answer लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल दिया है 10 + 10 क्या हुआ 20. उसके बाद यहाँ पे 10 के कितने हैं 2, यानी कि 2 एंड 1 के कितने हैं 6, तो 26. तो ये आपको करना है. तो क्वेश्चन नंबर 36 उसमें जो फर्स्ट है उसमें आंसर आता है 26. उसके बाद सेकंड जो है हमें 3 प्लस रखनी है. 3 प्लस के बाद यहाँ पे जो सेकंड में जो है वो 100 की प्लेस पे कितने हैं, 100 के कितने कार्ड से, तो के 3 कार्ड से. 10 के कितने कार्ड से, 1 कार्ड है. उसके बाद 1 के तो के 0 नहीं है. अब थर्ड नंबर में यहाँ पे 100 के कितने कार्ड से, तो के 1 कार्ड है. और 10 के कितने कार्ड से, 3 कार्ड से. उसके बाद तो के 1 के नहीं है. फोर्थ नंबर में तो के 100 के कितने कार्ड से, 4 कार्ड से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4. 10 के कितने कार्ड से, नहीं है, तो यहाँ पे 0. 1 के भी नहीं है, तो 0. फिफ्थ नंबर में क्या है, तो के फिफ्थ नंबर में 100 के कितने हैं, तो के 6 है. एंड 10 के कार्ड्स नहीं है, जिसका कार्ड नहीं है उसकी प्लेस पे हमें 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 के 3 कार्ड्स हैं. सिक्स नंबर पे यहाँ पे 100 के कितने कार्ड्स हैं, तो के 3 कार्ड्स. 10 के कितने कार्ड है, 1 एंड 1 के 6 कार्ड है. सेवन नंबर में 100 के कितने कार्ड्स हैं, 9 कार्ड्स हैं. उसके बाद 10 के कितने हैं, 0 कार्ड्स हैं. एंड 1 के प्लेस पे भी 0 कार्ड है. उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 100 के प्लेस पे यानी कि 100 के कितने कार्ड्स हैं, 4 कार्ड है, तो 100 के प्लेस पे लिखेंगे 4. एंड 10 के कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3. एंड 1 के 1 कार्ड है. उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 100 के कितने कार्ड्स हैं, 6 कार्ड है. 10 के तो है नहीं, और 1 के भी 6 कार्ड है. उसके बाद 10 नंबर का, यहाँ पे 100 के कितने हैं, 2. 10 के 0 एंड 1 के 1 ही कार्ड है. यहाँ पे 100 के कितने हैं, 5. 10 के 1 एंड 1 के 0 कार्ड है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, तो कि राइट इन काउंट ऑफ 2, यानी कि यहाँ पे ऑलवेज 2 काउंट करके आंसर लिखना है. 2 काउंट करके यानी कि 2 स्किप करके लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है तो कि 101, 103, 105. उसके बाद आएगा 107, 109, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 123. तो ये हुआ 2 डिजिट का स्किप. सेकंड 159, ये है पीछे से लिया हुआ डिजिट. 159, 157, 155. 55 के बाद आएगा 153, 151, 147, 141, 145, 139, 137. थर्ड नंबर में 640, 642, 644. उसके बाद आएगा 660, 640, 660, 660, 660, 660, 662, 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
222, तो उसके यहाँ से पीछे से लेना है, तो 222 के पीछे यानी कि 220, 218, 216, 214, 212, 210,
208, 206, 204। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, तो काउंटिंग ऑफ थ्री, थ्री थ्री डिजिट का काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 430, 30 के बाद 31, 32, 33, थर्ड नंबर वाला डिजिट हमें लिखना है। 33, 433, 436, उसके बाद 436, 37, 38, 39, 439। वैसे आपको लिखना है 439, 442, 445, 448, 451, 454, 460, 463। सेकेंड जो है उसमें क्या करना है, तो कि 383, 380, 377। लास्ट से लेना है तो कि 374, 371, 368। अब यहाँ से डिजिट चेंज हो जाता है, 70 के बाद पीछे लाना है, तो यानी कि 70 के बाद 70, 69, 68, उसके बाद 365, 362, 359, 356, 353 and 350। थर्ड नंबर में 903, 906, 909। तो यहाँ पे 909 के बाद हमें लिखना है 912, 915, 918, 921। आपको पता है लास्ट डिजिट में थ्री का टेबल चल रहा है, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 3, 4 12, 3 5 15, 3 6 18, लास्ट डिजिट का टेबल चल रहा है थ्री का। तो 921, 924, 927, 930, 933 and 936। तो यहाँ तक कंप्लीट हमारा फोर नंबर का। 708, 705, 702, उसके बाद क्या आता है 699। डिजिट चेंज हो गया, यहाँ पे 700 लास्ट डिजिट होगा आपका 700, यहाँ पे 702, 701, 700, उसके बाद आता है 699। तो 1, 2, 3, थ्री नंबर यहाँ पे आया 699, उसके बाद 696, 697, 680, 684, 688, 1, 678, 575। यहाँ तक हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 39 वाला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।